यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाई बहन माँ बाप रिश्ते, मंच में उपस्थित सभी को मेरा दिल से प्यार। मैं एक्चुअली संदीप जी ने मुझे कहा था कि उड़ीसा के लोग आपको बहुत चाहते हैं, एक बार आइए ना। मैंने कहा मुझे मालूम है, और इसीलिए मैं उड़िया फिल्म भी करता रहता हूँ। आपको मालूम है मैंने शाहर जोली छी ये कृष्ण ये जुगर कृष्ण सुदमा किया है, ताकि इसलिए ताकि उड़ीसा के साथ मेरा लगाव और तगड़ा हो जाए। और जब ऐसा ही सोच रहा था, एक ऐसा न्यूज आया कि हमारा एक उड़ीसा का भाई चला गया, और बेफजूल। ये कब खत्म होगा? क्या समझते लोग कि भारत कोई डरा हुआ इंसान या डरा हुआ राष्ट्र, या वहां के लोग सब डरे हुए हैं, हम कुछ भी करते रहेंगे? गलत। भारत की ताकत को आइडिया मत करना, क्योंकि आइडिया के बाहर चला गया भारत की ताकत। जैसे संविधान ने कहा है ना, ऐसा नहीं जाएगा। देवाशीष हमको शरीर से छोड़ के चला गया, लेकिन शहीद देवाशीष हमारे दिल में, हमारे पूरे देश के दिल में रहेगा, और हमेशा के लिए रहेगा। तो जब समृद्धा ने कहा कि दादा आपको आना है, तो मैंने ये खबर सुनते ही समृद्धा को कहा कि समृद्धा तो फिर तो मुझे सत्यवादी जाना है, साक्षी गोपाल को प्रणाम करना है, राधे माँ को करना है, और उस मिट्टी को नमन करना है जहाँ मेरा भाई देवाशीष पैदा हुआ था, और उसीलिए मैं इधर आया हूँ। मैंने कहा था कोई प्रचार नहीं करना, कोई माइक दही लगाना, कुछ नहीं करना, मैं फिर से आऊंगा, फिर एक प्रोग्राम करेंगे, लेकिन इस बारी कुछ नहीं। इस बारी हम ये पूरा मेरा सफर मैं देवाशीष के नाम कर दिया है। देवाशीष जिंदा है, जिंदा था और जिंदा रहेगा भी। साथ साथ ये भी कह के जाता हूं कि हिंदुस्तान को कमजोर नहीं समझना दोस्त, बहुत भारी पड़ेगा आगे के दिनों में, आपको बहुत भारी पड़ेगा। थैंक यू। भारत माता की जय। जय हिंद।